रविवार की रात से बारिश ने जो जोर पकड़ा है तो मीरा वाइंदर का हाल हुआ बेहाल। कहीं पर पानी घुटनों तक भरा तो कहीं पर झाड़ों का और दरख्तों का गिरना दिखा। ऐसे ही दो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो है मीरा रोड के कनकिया पुलिस स्टेशन के सामने वाले रोड का, जहां पर तकरीबन ये मेन रोड पर 10 से ज़्यादा झाड़ हवा की वजह से गिर गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर किसी के जान या माल का नुकसान नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वृक्ष प्राधिकरण विभाग भी यहाँ पर मौजूद है। कई जगह से झाड़ों को हटाया जा रहा है, कई जगह से पानी को जाने का रास्ता दिया जा रहा है। इससे साफ ये साबित होता है कि किस तरीके से ये एक दिन की बारिश में ये मीरा भाईंदर का हाल है। क्या यहाँ के स्थानिक नेता या स्थानिक नगर सेवक को ये नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मीरा भाईंदर शहर ये जो है वो कहीं ना कहीं डूबता नज़र आ रहा है। तूफ़ानी बारिश की वजह से सिर्फ मीरा भाईंदर ही नहीं, पूरे मुंबई का यही हाल है। कहीं पर पानी भरा हुआ है तो कहीं पर झाड़ों का गिरना देखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मीरा रोड के प्लेजेंट पार्क में एक बड़ा झाड़ भी जो है वो तेज़ हवाओं के चलते गिर पड़ा, जिसके चलते यहाँ पर दो कारों का नुकसान हुआ है। इस एक दिन की तूफ़ानी बारिश ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। ना यहाँ पर कोई स्थानिक नेता नज़र आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई स्थानिक आमदार नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से जो है कल रात से तकरीबन बारिश का जो जोर पड़ा हुआ है पूरे मीरा भाईंदर शहर को बहाल कर दिया है। इस वक्त हम मीरा रोड के कनकिया स्थित रोड पर खड़े हैं। मेरे सामने ठीक सामने कनकिया पुलिस स्टेशन है। इस रोड का आप देख सकते हैं किस तरीके से झाड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। फिलहाल अच्छी खबर ये भी है कि इसमें किसी को कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। कई गाड़ियाँ हैं जो बची हुई है, यहाँ पर पुलिस विभाग मौजूद है। यहाँ पर मनपा की तरफ से गाड़ियाँ आई है, यहाँ पर रेस्क्यू का काम जल्दी शुरू होगा। आइए देखते हैं मेरे साथ पूरी खबर, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़। मौसम विभाग ने पहले ही तावते तूफान की चेतावनी दे दी थी। निचले स्तर के जहाँ तक हमारे जो गांव और शहर है उनके पास उनको खाली कराया गया है, वहाँ पर NDRF की टीम लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मीरा रोड के नया नगर के बीचों बीच क्षेत्र में खड़ा हूँ। जिस तरह से पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, आप इस तरफ भी देख सकते हैं, आप इस तरफ भी देख सकते हैं। और मीरा रोड के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कई जगहों के झाड़ गिर चुके हैं। ना नगरपालिका कोई अधिकारी आया हुआ है, ना ही कोई सुरक्षाकर्मी यहाँ पर दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन अख्तर के साथ मैं शकील अहमद, न्यू लाइफ इंडिया।